अपन ने पढ़ा था किडनी के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये कार्य करते हैं। अगर किडनी के कार्य देखें तो इसका काम क्या होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड पाया जा रहा है उस ब्लड को क्या करेगी, फिल्टर करने का अर्थात छानने का कार्य करती है। अब अगर हम किडनी में देखें तो किडनी की आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बताई थी, नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन के नाम से जानी जाती है, अर्थात व्रत नली का कहलाती है। यानी अपन सीधा कहें तो हमारे शरीर में जो ब्लड छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है किडनी में, उस छानने की क्रिया को कौन करती है, नेफ्रॉन करती है। अब ये देखो किस प्रकार से क्रिया करती है तथा एक बार में किडनी द्वारा कितना रक्त छाना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है कि किडनी एक बार में लगभग 125 ml ब्लड को क्या करती है, छानने का कार्य करती है। जबकि एक दिन में देखें तो एक दिन में किडनी द्वारा 180 लीटर रक्त क्या किया जाता है, छाना जाता है। अब एक फैक्ट आता है कि हमारे शरीर में तो ब्लड 5 से कितना होता है, 6 लीटर, तो किडनी 180 लीटर कहाँ से छानती है। तो ये याद रखना कि जो ब्लड छनने के लिए आएगा उसमें से अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट मटेरियल को तो अलग कर दिया जाएगा, जो हमारे यूरिन अर्थात मूत्र का निर्माण करते हैं, जबकि जो छनने पर शुद्ध रक्त प्राप्त हुआ है वो वापस कहाँ चला जाता है, शरीर में चला जाता है। तो इस तरह एक दिन में टोटल कितना रक्त छाना जाता है, लगभग 180 लीटर। अब देखो ये छानने की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है और वो 3 चरण तीनों कहां पर होंगे, नेफ्रॉन में। सबसे पहली चीज देखें तो सबसे पहली चीज कहलाती है परा निस्यंदन। पहली चीज क्या कहलाती है, परा निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, पहला क्या कहलाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परा निस्यंदन। दूसरा कहलाता है पुनः अवशोषण, री एब्जॉर्प्शन। और थर्ड पार्ट इसका सिक्रिएशन, सिक्रिएट होते हैं पदार्थ, जिसको अपन क्या कहते हैं, श्रावण के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हैं जिसके दौरान यूरिन का निर्माण होगा। अब इसको समझने के लिए देखो हम इस डायग्राम पर ध्यान देते हैं, जो नेफ्रॉन का डायग्राम है इसे देखते हैं। देखो कैसे रक्त को छानने की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले जो हमारा रक्त है जिसमें क्या मिला हुआ होगा, यूरिया मिला हुआ होगा, वो किस पार्ट में आएगा, इस नलिकाओं के गुच्छ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले रक्त कहां पर आएगा, इस नलिकाओं के गुच्छ में, जिसको क्या कह रहे हैं अपन, ग्लोमेरुलस। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। अब देखो हमसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, कैसे रक्त को छानता है। आपको कल बताया था कि अगर इससे प्रश्न आते हैं नेफ्रॉन से, तो केवल 4 ऑप्शन देकर आपको ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है अथवा कौन सा नेफ्रॉन का भाग है। तो ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का भाग है, जो ब्लड को क्या करेगा, छानने का कार्य इस ग्लोमेरुलस का ही होता है। ये बाहर का जो प्याले नुमा या कटोरे नुमा से संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है बोमेन संपुट। इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, बोमेन संपुट कहा जाता है। अब देखो छनने के पश्चात यहां पर ही रक्त क्या किया दिया जाएगा, छान दिया जाएगा। छनने पर जो रक्त बचेगा वो रक्त कहाँ प्रवेश करेगा, इस कुंडलित नलिका में, जो प्रोक्सीमल कन्वर्टेड ट्यूब होती है। ठीक है, तो पीसीटी के नाम से जानते हैं जिसको, समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसमें प्रवेश करता है। और इसमें देखो 2 प्रक्रियाएं होंगी, पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका और डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका। इन दोनों पार्ट के अंदर जो इस रक्त के अंदर प्रोटीन पाई जा रही है या ग्लूकोज पाई जा रही है, यानी सीधा कहें तो जो पोषक पदार्थ हैं उनको क्या कर दिया जाएगा,
उन्हें अवशोषित कर लिया जाएगा। ब्लड के अंदर क्या कर लिया जाएगा, उनको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। सबसे पहले तो क्या किया, निस्यंदन फिल्ट्रेशन हो गया, जिसको अपन ने क्या कहा, परानिस्यंदन। उसके बाद ये इन नलिकाओं में गया, तो दोनों से क्या किया, जो छनने के पश्चात उसमें पोषक बच गए, न्यूट्रिएंट्स बच गए, उनको दोबारा से क्या कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। अब जो शेष बचा पदार्थ है वो स्टोरेज डक्ट, जो संग्रहण नलिका होती है, इस संग्राहक नलिका में चला जाता है। और ये स्टोरेज डक्ट में जो पदार्थ है वो ही यूरिन कहलाता है, अर्थात मूत्र कहलाता है। अब एक पार्ट बचा अपना सिक्रियशन, श्रावण, ये क्या है, तो जो हेनले लूप है, पीसीटी है और डीसीटी है, इन तीनों के द्वारा एक प्रक्रिया और होती है, कुछ हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जैसे हिप्यूरिक एसिड पाया जा रहा है, यूरिक एसिड की भी कुछ मात्रा होती है, उनको क्या कर दिया जाता है, इनमें मुख्य रूप से सिक्रिएट कर दिया जाता है, और वो सभी पदार्थ इकट्ठे होकर किसका निर्माण करते हैं, यूरिन का निर्माण करते हैं। तो हमें केवल प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रश्न में केवल एक चीज पूछी जा सकती है कि जो यूरिन का निर्माण होता है, वो यूरिन का निर्माण कौन से ऑर्गन के अंदर होगा, कहां पर हो रहा है, तो हम नेफ्रॉन के पार्ट के अंदर देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, पीसीटी, डीसीटी और हेनले का लूप। तो ये रक्त को छानने की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, किडनी। एक बार में कितना छाना जाता है, 125 ml। ये प्रश्न देखो दो तीन बार पूछा गया है, और ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन और जरूर मिलेगा, 70 ml। तो 70 ml और 125 ml हमारे दो ऑर्गन से कनेक्टेड हैं। जैसे हमारा जो हार्ट है, एक बार में कितने ब्लड को पंप करता है, 70 ml, जबकि किडनी कितने को छानती है एक बार में, 125 ml को। याद करने का तरीका, इसको ऐसे याद रख लेना आप, हृदय की धड़कन एक बार कितनी होती है, 72, तो उस लगभग 70 ml को एक बार में क्या करता है, पंप करता है, और ये कितना बच गया, 125 ml। तो किडनी एक बार में कितने को छानती है, 125 ml, और एक दिन में कितना रक्त छान देती है, 180 liter, जबकि कितने चरणों में पूर्ण होता है यूरिन फॉर्मेशन, 3, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन, रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण और सिक्रियशन अर्थात श्रावण। इन तीनों प्रक्रियाओं से जो वेस्ट मेटीरियल बचा, उस वेस्ट मेटीरियल को ही अपन क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं, अर्थात मूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इससे कई बार फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कुछ। सबसे पहली चीज, हमारे शरीर में एक दिन में 1.2 से लेकर लगभग 2 liter यूरिन का क्या होता है, निर्माण होता है। हमारे शरीर में कितना यूरिन बनता है लगभग एक दिन में, 1.2 से 2 liter। अगर इसका पीएच देखें तो इसका पीएच होता है 6 से लेकर 8 तक। ज्यादातर ये जो होता है मुख्य रूप से क्षारीय पाया जाता है, तो पीएच वैल्यू अपन ने क्या देख ली, 6 से लेकर 8 तक पाया जा रहा है। मात्रा कितनी है, 1.2 से 2 liter। अब अगर इसका हम कंपोजिशन देखें, संगठन देखें, कि कौन सा पदार्थ कितना पाया जाता है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, देखो कौन कौन से पदार्थ होंगे और किस पदार्थ की कितनी मात्रा होगी। इसे प्रश्न देखो कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहली चीज, इसके अंदर जल की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, लगभग 97%। तो यूरिन के अंदर लगभग 97% तो क्या है, केवल पानी होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है यूरिया। यूरिया कितना होता है, आपको ये पहले भी बताया था, कितना परसेंट है, 2%। अब ये नहीं कि मनुष्य यूरिया का त्याग करता है तो यूरिया की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, केवल कितनी परसेंट है, 2%। अगर एक दिन में मात्रा पूछ ली जाए ना, तो लगभग 25 से लेकर 30 ग्राम आएगी, ठीक है। एक दिन में हम कितना यूरिया तैयार करते हैं, लगभग 25 से लेकर 30 ग्राम यूरिया क्या किया जाता है, मनुष्य के द्वारा त्यागा जाता है। अब शेष जो 1% मात्रा बच गई, इस 1% मात्रा के अंदर देखो क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं, यूरेनॉइड भी पाया जाता है, यूरिक एसिड भी पाया जाता है,
और इसके अलावा अमोनिया भी पाई जाती है। ये सभी पदार्थ इस शेष 1% मात्रा के अंदर पाए जाते हैं जो इसके सामान्य घटक कहलाते हैं, ठीक है। नॉर्मल मुख्य रूप से पार्ट कहलाते हैं, कंपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से यूरिन का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब दो प्रश्न इसके अलावा अगर हम यूरिन से संबंधित देखें तो इंपॉर्टेंट और बचते हैं। एक तो आपने देखा होगा यूरिन का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। यूरिन का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। तो ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि मूत्र का हल्का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो देखो रटना नहीं है, याद कैसे करोगे। मूत्र को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, यूरिन, और यूरिन का हल्का पीला रंग होगा यूरोक्रोम के कारण। ये आपको लीवर में बताया था कि यूरोक्रोम बनता किससे है, हीमोग्लोबिन से। किससे बनता है, हीमोग्लोबिन से। तो यूरिन का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी यूरिन का रंग उतना ही कैसा होता है, पीला होता है। और अगर स्मेल देखी जाए, गंध देखी जाए, ये केमिस्ट्री से संबंधित भी प्रश्न है, ठीक है, कि कई बार पूछ लिया जाता है जो पेशाब घर पाए जाते हैं, बाथरूम होते हैं, उनके पास तीखी गंध आती है, वो गंध स्मेल किसके कारण होती है, या सीधा कह दें यूरिन के अंदर गंध किसके कारण आती है, तो अमोनिया के कारण पाई जाती है, NH3 के कारण। किस कारण होती है, अमोनिया। और यूरिन की इस गंध को हम यूरेनोइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है यूरिन की इस गंध को, यूरेनोइड के नाम से। तो देखो प्रश्न क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के अंदर अपने स्टार्टिंग से पढ़ा है। सबसे पहली चीज, किडनी का काम क्या होता है, तो ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना अर्थात छानना, ठीक है। और एक दिन में कितना छानती है, 180 लीटर। अगर एक बार में देखा जाए तो एक बार में 125 ml छाना जाएगा, ठीक है। यूरिन का निर्माण कितने पार्ट में या स्टेज में या चरणों में पूर्ण होता है, तो तीन बताया आपको, परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा पुनः अवशोषण रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा क्या है, सिक्रेशन अर्थात श्रावण होता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो यूरिन की गंध किसके कारण होती है, अमोनिया। कलर किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। और मात्रा कितनी पाई जाती है, 1.2 से लेकर 2 लीटर तक। और पीएच कितना है, 6 से लगभग कितना पाया जाता है, 8 क्या होता है इसका पीएच पाया जाता है। यूरिया की परसेंटेज वैल्यू पूछी जा सकती है, तो यूरिया कितने परसेंट पाया जाता है यूरिन के अंदर, मात्र 2%। और एक दिन में कितना त्यागा जाता है, 25 से लेकर 30 ग्राम तक। तो ये तो उत्सर्जन से संबंधित क्रिया हो गई कि कैसे यूरिन का निर्माण होगा। इसके बाद कुछ इससे संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे पथरी है, या कृत्रिम रूप से ब्लड को छाना जाता है, जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।